किसानों के लिए 5 एकड़ तक की बिजली फ्री होनी चाहिए, इंदिरा आवास की जो राशि है वो दुगनी होनी चाहिए, जो वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है उसको कम से कम अन्य राज्यों के हिसाब से कम से कम 1,000 से 2,000 होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, किसी भी समाज की बच्ची हो उसको शिक्षा व्यवस्था पीजी तक की जो पढ़ाई है मुफ्त होनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के तमाम नेता यहाँ उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे आज के बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर। आज हम लोग यहाँ सिरघाटी प्रखंड में मौजूद हैं। आज पार्टी के तरफ से जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के जो पदाधिकारी उनकी बैठक हुई है और इस बैठक में तय हुआ है कि आने वाला जो 3 दिसंबर है 2023 को पार्टी की तरफ से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम गरीब संकल्प सभा रखा गया है और यह कार्यक्रम है 3 दिसंबर को आयोजित होगी और सिरघाटी स्थित रंगलाल हाई स्कूल मैदान है उसमें यह कार्यक्रम आयोजित होगी। और इस कार्यक्रम में पार्टी के संरक्षक संस्थापक गरीब गुरुओं के जन जन के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, साथ में बाराचट्टी के माननीय विधायक और पार्टी की महिला सेल की नेत्री ज्योति मांझी जी और साथ में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी उपस्थित होंगे। और इस कार्यक्रम में पूरे प्रखंड क्षेत्र के ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और इस गरीब जन संकल्प सभा में इस बात को हम लोग संकल्पित होंगे पूरे कार्यकर्ता साथी कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी के मुख्यमंत्री काल में जो 34 निर्णय लिए गए थे जिनमें कई ऐसे अहम निर्णय हैं कि अगर वो लागू हो जाता बिहार के हित में, बिहार के आवाम के हित में, तो समझिए यहाँ के लोगों के लिए कायाकल्प हो जाता। जैसे लगातार आदरणीय जीतन राम मांझी जी उठाते रहे हैं किसानों के लिए 5 एकड़ तक की बिजली फ्री होनी चाहिए, इंदिरा आवास की जो राशि है वो दुगनी होनी चाहिए, जो वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है उसको कम से कम अन्य राज्यों के हिसाब से कम से कम 1,000 से 2,000 होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, किसी भी समाज की बच्ची हो उसको शिक्षा व्यवस्था पीजी तक की जो पढ़ाई है मुफ्त होनी चाहिए। और इस तरीके की कई योजनाएं जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लिया था उसको हम लोग पूरा करवाने का संकल्प लेंगे। और साथ ही साथ अभी जो राज्य में जो सरकार बैठी हुई है, राज्य के मुखिया बैठे हुए हैं और जिस अहंकार के साथ सरकार को चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा के सदन में जिस तरीके से हम लोग के जन जन के नेता पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी के साथ जो नीतीश कुमार जी का व्यवहार रहा है, अव्यवहार किए हैं, उससे जो गरीब परिवार है, दलित महादलित पिछड़ा अखिलियत है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहा, आहत महसूस कर रहा है और उनको अपने नेता के रूप में इस तरीके का व्यवहार कहीं से शोभा नहीं दिया है। तो यह जो गरीब विरोधी जन विरोधी सरकार जो राज्य सरकार बैठी हुई है, जो गरीबों को बालूबंदी के नाम पे, शराबबंदी के नाम पे और भी अफसरशाही के नाम पे जो लगातार दोहन शोषण कर रही है और झूठे विकास का ढिंढोरा पीट रही है, तो हम लोग सभी साथी सभी कार्यकर्ता इस बार संकल्पित होंगे कि आने वाले चुनाव में इस अहंकारी सरकार को हम लोग किसी भी तरीके से सत्ता से बेदखल करें और ऐसे अहंकारी सरकार को हम लोग राज्य से हटाने का काम करेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः हम लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम लोग देखना चाहते हैं। यह हम लोग की भावना है, जनभावना है, इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम में संकल्पित होंगे। जो 3 तारीख को गरीब संकल्प सभा का आयोजन जो रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में किया गया है, तो हम लोग यहाँ से लगभग 10-15 हज़ार का मतलब संख्या में लोग को लाएंगे और भव्य तरीका से हम लोग एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। जो हमारे जो भी गरीब गुरुआ के साथ जो झांसे में बालू के नाम पर, दारू के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है और ये झूठ जो हमारे बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं जो झूठ मूठ के जो विकास का जो ढिनोरा पिट ले चल रहे हैं, उनका हम लोग उजागर करेंगे और हम लोग एक साथ होकर संकल्प लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो नीतीश कुमार जी दलितों का जो अपमान करने का जो काम किया है, तो यहाँ के जो जनता, बिहार की जनता जो देख रही है और यहाँ सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, सारे जनता लोग मिल करके इनको मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया है और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, चुनाव की तैयारी के लेकर के हम लोग विशेष रूप से एक संकल्प लेंगे। आगामी 3 दिसंबर को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की जिला इकाई के द्वारा जो गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, उसकी तैयारी हेतु हमारे जिला अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद मांझी जी आए थे और उनको हम लोगों ने अवगत कराया अपनी तैयारियों से और हम लोगों की